नमस्कार, आपका हमारे आइडियलिक फार्मिंग यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हैं बरोला में। ये बरोला जो जगह है ये पड़ता है बामटा में, जो कि चपाल तहसील के अंतर्गत आता है। तो आज हम हैं सुभाष राठौर जी के रूस्टॉक के इस बगीचे में। आप देख सकते हो ये बगीचा काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला है, लगभग 5000 के आसपास यहाँ पर रूस्टॉक M9 पे ये वैरायटी लगी है। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं इनके बगीचे में और जानते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी वैरायटी लगाई हुई है। आज है 17 जुलाई 2021। तो बागवानों, हम आपको बता दें, सुभाष राठौर जी ने यहाँ पर 5000 की प्लांटेशन की हुई है, जिसमें से कि उन्होंने 3000 Z1 की वैरायटी लगाई है और 1000 उन्होंने गाला वैरायटी लगाई है, जिसमें फैन प्लस और मेमा गाला है। और इसके अलावा उन्होंने 1000 पौधे किंग रूट के भी लगाए हुए हैं। ये सब प्लांटेशन उन्होंने M9 रूस्टॉक पर की हुई है। जो सामने आप ये एक पौधा देख रहे हैं, ये है मेमेगाला का पौधा। तो आप अभी इसमें देख सकते हो, इस पर काफ़ी कलर आ चुका है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे Z1। तो आप जो अभी देख रहे हो ये है Z1। देखिए अभी ये स्मॉल की साइज़ में आ चुका है और इसमें कुछ दाने लार्ज के साइज़ के भी आ चुके हैं। और आप कलर देख सकते हो, कलर क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। यह है Z1। ये देखिए Z1 बिल्कुल लार्ज साइज़ में जा चुका है। बहुत ही बेहतरीन Z1 की ये वैरायटी है। इस बार सेटिंग है फ्रूट सेटिंग, ये फर्स्ट ईयर की फ्रूट सेटिंग है। और फर्स्ट ईयर में आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी फ्रूट क्वालिटी बनी है। और जो इन्होंने प्लांटेशन की है ये अप टू डाउन साइड की है। देख सकते हैं आप, ये ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ इन्होंने ये प्लांटेशन की है और लैंड का सही तरीके से इस्तेमाल किया गया है। और साथ में इन्होंने मल्चिंग शीट बिछाई है और ड्रिप का भी इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हो इस पूरी टहनी में 1 2 3 4 5 6 7 दाने लगे हैं और सब दानों का साइज लार्ज, ये स्मॉल, ये भी स्मॉल, लार्ज और स्मॉल ही लगे हैं, स्मॉल लार्ज और स्मॉल ही लगे हैं। Z1 की बेहतरीन क्वालिटी अभी तक आपने ऐसा बगीचा नहीं देखा होगा जहाँ पर Z1 के 3000 पौधे लगे हैं। डेट है वो है 17 जुलाई 2021। और इस वक्त हम हैं बामटा में, जो कि तहसील चौपाल में आता है। और आप सामने ये देख सकते हैं जो ये पौधा है, ये है मेमागाला का। तो मेमागाला की वैरायटी आप देख सकते हैं, आप इसमें कलर देखिए, कलर बेहतरीन है। हम आपको करीब से दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बेहतरीन कलर है, साइज स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल के आसपास इसका साइज है। ये देखिए ये स्मॉल है और ये एक्स्ट्रा स्मॉल का साइज है। काफी अच्छी क्वालिटी में ये मेमागाला यहाँ पर है।
ये Z1, ये Z1 लगा हुआ है देखिए, और इसमें जो 1000 पौधे किंग रूट के लगे हैं हम आपको वो भी दिखा देते हैं। किंग रूट में फ्रूट क्वालिटी कैसी बनी है। इन्होंने किंग रूट के जो पौधे हैं वो बिल्कुल काफ़ी पुराने लगाए थे, तो सिर्फ ये बॉर्डर पे ही लगे हैं। तो जो ये पौधे हैं ये किंग रूट के हैं, इसमें फ्रूट क्वालिटी में आपको दिखाता हूँ और आपको मैं कंपेयर भी करवाता हूँ किंग रूट और Z1 में फ्रूट कैसे हैं। ये है किंग रूट, किंग रूट में देख सकते हैं आप, अभी कलर पूरी तरह से नहीं आया। ये किंग रूट है, किंग रूट का कलर अभी थोड़ा आना बाकी है। ये देखिए ये किंग रूट है, तो आप अब खुद कंपेयर कर सकते हो किंग रूट और Z1 को, कौन सा बेस्ट है, कौन सा आपको लगाना चाहिए। और ये Z1 है ये ऊपर, तो आप देखिए Z1 और किंग रोड को कंपेयर करिए आप, किंग रोड और Z1 में कौन सा बेस्ट है। यहाँ पर फैन प्लस बहुत ही अच्छे अपने अच्छे कलर में आ चुका है, तो ये आप जो पूरा बगीचा देख रहे हैं ये राठौर जी का बगीचा, वहाँ ऊपर से लेकर काफ़ी बड़े क्षेत्र में ये फैला हुआ है। देखिए आप यहाँ पे इन्होंने ड्रिप इरिगेशन के लिए एक फिल्टर यहाँ लगाया है, यहाँ पीछे देख सकते हैं आप इसके बैकग्राउंड में टैंक भी दिख रहा होगा आपको टैंक, तो जो इन्होंने 2 टैंक इस बगीचे में लगाए और ईच टैंक 30,000 लीटर पानी का स्टोरेज रखता है। जो टैंक है वो इस ब्लॉक के लिए वहाँ से पानी आता है और पूरे एरिए को सिंचाई देता है, और दूसरा जो टैंक है वो काफ़ी ऊपर है, धूप की वजह से हो सकता है शायद आपको उस तरफ का एक शेड है वहाँ पे, उसी के पीछे दूसरा टैंक लगा है, उसमें भी 30,000 लीटर पानी आता है जो कि सारा ब्लॉक ये वाला कवर करता है। साथ में आपको बताना चाहूँगा जो इन्होंने ये Z1 की वैरायटी लगाई है, ये वैरायटी इन्होंने इटली से मंगवाई थी। आपको मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि इसमें इन्होंने कोई भी न्यूट्रिशन की फॉलियर स्प्रे नहीं की, सिर्फ इन्होंने एक दो बार जो सॉइल ट्रीटमेंट दी थी सॉइल में ही इन्होंने कुछ न्यूट्रिशन डाले थे, बाकी फॉलियर में कोई फॉलियर स्प्रे में कोई भी न्यूट्रिशन यूज़ नहीं किया। फंगिसाइड इन्होंने सिर्फ अभी तक 2 बार यूज़ किया, तो आप लोग अगर इनके बगीचे आना चाहें तो आप आ सकते हैं। मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ कि बामटा गांव तहसील चौपाल में इनका ये बगीचा लगा हुआ है, और डिस्क्रिप्शन में मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगा ताकि आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकें, और यदि आप ये बगीचे विज़िट करना चाहते हो तो बगीचे विज़िट कर सकते हो। Z1 की बहुत ही अच्छी वैरायटी इस बगीचे में लगी है। जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से ये वैरायटी दिखा देता हूँ, देखिए बहुत ही बेहतरीन वैरायटी लगी है। इसके साथ आप इनका बगीचा विज़िट करिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को जितना दिख हो सके उतना शेयर करें। धन्यवाद।